से 80 फीट तक हवा जो है वो इस पंखे की जाती है। अगर हाथ यहाँ पे लगाते हैं तो हाथ जो है वो पूरा दबाव महसूस करता है हवा का। बाई चांस कोई पशु इसको धक्का मार के गिर देता है या कुछ भी कर देता है तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता। ये एक बार आप देखिएगा, ये पंखा गिरा दिया है, एक पंखा और गिराइएगा, ये देखिएगा, ये पंखा गिरा दिया है। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री राम वेल्डिंग वर्क्स छत्तरगढ़ पट्टी सिरसा में, और यहाँ पे आपको जादुई पंखे मैं दिखाने वाला हूँ। जादुई पंखे कैसे कहेंगे वो जब मैं आपको इनकी पूरी डिटेल बताऊँगा तो आप कहेंगे कि वाकई में जादुई पंखे हैं। अगर आपके पशुओं को मच्छरों की समस्या ज़्यादा सता रही है तो ये पंखे आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, बहुत बड़ी राहत आपको दिला सकते हैं। अगर आप घरों में भी यूज़ करना चाहते हैं तो घर के लिए भी अलग अलग मॉडल जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, ये पंखे यहाँ पे अलग मॉडल के, अलग ही एक स्टाइल के अंदर जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत ये है कि 40 फीट से लेकर के 80 फीट तक हवा जो है वो ये पंखे दे रहे हैं। अब सामने मैं आपको उस तरफ दिखाना चाहूँ तो वो पंखा चल रहा है। इस पंखे की हवा जो है वो 60 फीट तक ये पंखा जो है वो हवा देता है, क्योंकि ये पशुओं के लिए बनाया गया है। ये पंखा है अलग, ये अलग अलग मॉडल के पंखे हैं। इन पंखों के बारे में हम जानेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे इस वर्कशॉप के अंदर जितने भी ये पंखे बनते हैं ये खुद के जो है वो इनके डिज़ाइन किए हुए हैं, खुद यहाँ पे ये इनको बनाते हैं। अलग अलग जो है वो मैकेनिक काम करने पे यहाँ पे लगे हुए हैं, और इनके फरों की अगर बात करूँ तो फर भी जो है वो यहाँ पे बनते हैं। अगर आप ये पंखों के बारे में कोई डिटेल लेना चाहते हैं तो लगातार नंबर जो है वो स्क्रीन पे चला रहा हूँ, इन नंबरों पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पंखा जो है वो ख़रीद सकते हैं। चलिए अभी बातचीत करते हैं, भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग मॉडल के पंखे हैं। भाई साहब अगर बात करें तो ये पंखों की खासियत क्या है? ये जो पंखे हैं ये हाई स्पीड फैन है, कैटल फैन है, हमने स्पेशल इसी पर्पज़ के लिए बनाए हैं। मक्खी मच्छर जिस तरह से, कोई आज के ज़माने में इतने ज़्यादा मक्खी मच्छर हो रहे हैं, पशुओं के लिए खासकर ये ध्यान रखे हुए अलग अलग टाइप से हमने ये बनाए हुए हैं। ठीक है, अब अलग अलग मॉडल की अगर बात करें तो ये मॉडल जो है, मैं कैमरा से होकर से गुजारिश करूँगा कि अलग अलग मॉडल के ऊपर बताएं ये मॉडल कौन सा मॉडल है? ये हमारा बेस मॉडल है जी, ये इसमें आधा हॉर्स पावर की मोटर के साथ ये बना हुआ है, और ये पंखा है कम से कम 40 से 50 फुट तक इसकी हवा है। अच्छा, इसका रेट क्या है? ये 6000 से हमारा स्टार्ट होता है, 6000 बेसिक मॉडल है। ठीक है, अब आगे वाले पंखे की अगर बात करें तो ये पंखा, ये भी आधा HP के मोटर का है, ये भी हम आप घर में यूज़ कर सकते हैं, कोई जैसे दाना साफ करने के लिए उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी 40 से 50 फुट तक हवा है, ये भी आधा HP का है और कुछ हैवी स्ट्रक्चर में बना हुआ है। ये इसका रेट 7000 रुपये है जी। ठीक है, आगे ये पंखा, ये थोड़ा छोटा लग रहा है। ये छोटा नहीं है जी, ये इसमें हमने पौने की मोटर लगाई हुई है, इसमें मोटर ज़्यादा है, इसकी हवा का फ्लो ज़्यादा है, ये 50 से 60 फीट तक इसकी हवा जाती है, और ये इसकी हमारी कीमत है 7500 रुपये। ये काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर में बना है, 4 लातों पर बना हुआ है ये। तो इसके अंदर हमने एक ये इसके साथ साथ एंगिंग वाला भी है इसी रेंज के अंदर, जो 3/4 पौने की मोटर के साथ बना हुआ है, और ये इसकी कम से कम 50 से 60 फीट तक हवा फुल हवा के साथ। ये इसका रेट क्या है? इसका रेट है 7500 रुपये जी। ठीक है, अब ये पंखा जो है वो, ये इसकी क्या खासियत है? ये जो पंखा है ये एक की मोटर का बना हुआ है जी, इसका जो हवा का फ्लो है 80 फुट से कम नहीं है जी ये। ठीक है, आपने चला के भी देखा है, और ये काफ़ी मजबूत बना हुआ है, इसमें 1 HP की मोटर लगाई और 8500 रुपये इसकी कीमत है जी इसकी। ठीक है, और ये पंखा जो ये चल रहा है, ये देखिएगा मेरा हाथ जो है वो अपने आप जो है वो जा रहा है, यानी कि इतनी तेज़ हवा इसकी है, और 60 फीट तक जो है वो इसकी, 70 से 80 फीट तक हवा जो है वो इस पंखे की जाती है। अगर हाथ यहाँ पे लगाते हैं तो हाथ जो है वो पूरा दबाव महसूस करता है हवा का। इसकी क्या खासियत है? ये सर हमारा पंखा है जो सुपर मॉडल है, ये हमारा टॉप मॉडल में ये पंखा है, इसमें हमने 1+ की मोटर है, 1.25 की मोटर लगाई हुई है, इसकी हवा है 90 फुट तक, 80 से 90 फीट तक इसकी हवा का फ्लो है, जो आप चेक भी कर दो चाहे, और ये कम से कम कहीं भी, कोई भी जैसे बाड़ा हो, खुला बाड़ा हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी 90 फीट तक आवाज आएगी जी। बिल्कुल। रेट क्या है इसका? इसका 9500 रुपये रेट है जी। हाँ जी, हाँ जी। इसमें भी हैंगिंग है? हाँ, हैंगिंग है, इसमें भी मिल जाएगा, हैंगिंग तीनों में मिल जाएंगे, आधे में मिल जाएंगे, 1 की मोटर मिल जाएंगे और पौने की मोटर मिल जाएंगे, हैंगिंग तीनों में। अब सबसे अलग मॉडल ये दिखाई दिया है मुझे,
ये ब्लैक कलर का है और ताड़ियाँ भी इसमें जो है वो ज़्यादा है, फर जिसको बोलते हैं वो भी ज़्यादा है। तो ये किस यूज़ के लिए भाई साहब, क्या इसकी खासियत है? ये जो ये पंखा है, मैंने समुद्री जहाज से जो ऑक्शन होती है वहाँ से मोटर ली हुई है, काफ़ी हैवी मोटर है। ये साइलेंट फैन है, इससे बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आती। इसकी हवा है 40-45 फीट तक हवा आती है। इसको आप घरों में, ऑफिस में, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ साथ ये काफ़ी बढ़िया पंखा है, और इसमें अलग अलग वैरायटी में दो तरह के आते हैं फ़ैन। ये एक तो ये 6000 रुपये में, एक ये 6500 रुपये के अंदर है। आवाज़ जो है वो बिल्कुल ही कम है, और हवा इसकी भी जो है वो अच्छी खासी है, क्योंकि घरों में अगर यूज़ करने के लिए इस पंखे को हम लेते हैं तो काफ़ी कारगर, काफ़ी कामयाब जो है वो साबित हो सकता है। अब ऐसे में भाई साहब एक बार इधर और आइएगा, इनसे अगर बात करें तो ये पंखे ज़्यादातर मच्छर मक्खी भगाने के लिए, क्योंकि पशुओं को रात के समय में मच्छर बहुत सताते हैं, तो ये मच्छर पास नहीं आने देंगे पशुओं? बिल्कुल नहीं आने देंगे। ये हमारे रेगुलर पंखे बिक रहे हैं, जहाँ भी हमारे पंखे गए हैं कस्टमर की सेटिस्फाई, उन्होंने कहा भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो ये सिरसा के अंदर अपना ये स्टार्ट किया हुआ है, हमारा पुराना काम है श्रीराम वेल्डिंग वर्कर से, हम चौकठों और उसका भी काम करते हैं, CNC मशीन के द्वारा हम काम करते हैं। 1991 से हमारे स्टार्ट, अब की बार हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो ये जितने भी आए हैं, कोई भी मक्खी मच्छर अभी तक हमारे को इसकी कोई भी शिकायत नहीं आई। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी गारंटी वगैरह कितनी होगी। रेट तो हमने सभी का बता दिया, गारंटी कितनी आप दोगे इनकी? इसकी गारंटी सर 6 महीने की है। अच्छा, 6 महीने की और सीजन की गारंटी है। हम इसमें बाई चांस कोई दिक्कत आई जाती है तो रिप्लेसमेंट मोटर की हम नई मोटर देंगे इसके साथ साथ। मोटर नहीं दोगे, बाकी तो स्ट्रक्चर का बिगड़ता ही क्या है? नई मोटर देंगे, कोई भी दिक्कत आए तो मोटर ही चेंज कर देंगे। अच्छा, और इसमें दिक्कत कितनी आती है खराब होने? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2% 1-1.5% आई हो? नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। अभी तक कम से कम 3-3, 4-4 महीने से ही चल रही है, गौशाला में चल रहे हैं हमारे। गौशाला के अंदर तो बहुत कामयाब चीज़ है, लगातार 2-2 महीने हो गए चल रहे हैं, जो रात दिन चलते ही रहते हैं। साथ में ये भी नहीं है अभी, इसको एक बार बंद करो चाहे चलाते रहो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इसका डिज़ाइन जो है वो इस तरह से क्यों दिया गया है? बाकी पंखे तो जो सिंगल एक डंडी पे खड़े होते हैं, इनके चार पाए कैसे लगाए? ये सेफ्टी के लिए। अच्छा, ये जो जाली वगैरह लगाई हुई है, ये पशु जैसे कोई पूंछ वगैरह ना मार दे इसके लिए, और ये तो ऊंचाई के लिए दिए हुए हैं, जैसे पशु खड़े हो तो भी हवाएं, और इसकी फ्लो हवा का वैसे भी फैलता है तो नीचे तक भी आती है, इसलिए डिज़ाइन दिया हुआ है। 100% गारंटी के साथ, 6 महीने की या 1 सीज़न की गारंटी के साथ आपको ये तमाम पंखे जो है वो मिल जाएंगे। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप जो है वो लगातार नंबर में डिस्क्रिप्शन, जो लगातार नंबर मैं आपको जो है वो दे रहा हूँ इस वीडियो के स्क्रीन पे, उस पे जो है वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये इस पंखे की क्या खासियत है भाई साहब? इस पंखे की खासियत सारे पंखों की ये, अगर बाई चांस कोई पशु इसको धक्का मार के गिर देता है या कुछ भी कर देता है तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता। ये एक बार आप देखिएगा, ये पंखा गिरा दिया है, एक पंखा और गिराइएगा, ये देखिएगा, ये पंखा गिरा दिया है। ये गिराने के बाद भी इस पंखे का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। और ये देखिएगा, अगर बाई चांस पशु का पैर लग जाता है या किसी तरह से पंखा गिर भी जाता है तो ये देखिएगा, इसका कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। यानी कि गारंटी है तो वाकई में गारंटी है। गिरा करके पंखे जो है वो आपको दिखा दिए हैं, इससे ज़्यादा गारंटी जो है वो वीडियो पे नहीं दी जा सकती। आप एक बार खरीदिएगा, जिम्मेवारी हमारी रहेगी, ये गारंटी मैं देता हूँ कि अगर आपके पंखे के अंदर किसी भी तरह की कोई समस्या आ जाती है, चेंज नहीं करके देते हैं, पहली बात तो आपको कोई समस्या आएगी नहीं। अगर आती है तो आप मुझे भी मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं आपको, लेकिन टाइम 6 महीने होना चाहिए। 6 महीने तक आपको अगर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है तो उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं जो है वो आएगी। अब एक बार भाई साहब हो रहिएगा, ये अगर बात करें तो इन पंखों की आप इतनी गारंटी दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? टेस्टिंग वगैरह कैसे होती है इनकी? आप हमारे यहाँ पर टेस्टिंग, हमने प्रॉपर इनका लोड चेक करते हैं, इसके अलावा हम लगातार 4-4, 5-5 दिन इनको चला के रखते हैं, जब तक ये पंखे पूरे तरह टेस्ट होके उसी के बाद हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा। मोटर की हमारी ये इस तरह से हम लगभग 4-5 दिन हम स्टार्ट कर रखते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर आप तैयार करते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है वो कहीं बाहर से तैयार करवाते हैं या आप खुद तैयार करते हैं? इसकी हमारी टोटली जितनी भी है हमारी फैक्ट्री के अंदर ही बनती है। ये हमें फर है, फर की ये जो डाइयाँ हैं यहीं से हम तैयार करते हैं। इसकी जो सारा स्ट्रक्चर है टोटली हम फैक्ट्री के अंदर ही तैयार होता है। मोटर की अगर बात करें, क्योंकि इतनी तेज स्पीड में चलने वाली मोटर तो कहीं नहीं मिलती बाजार में, तो ये मोटर आप कहाँ से लेकर के आते हैं?
मोटर हमारी खुद की है, मास्टर कंपनी की मोटर है, हम प्योर कॉपर से तैयार करवाई हुई मोटर है ये। इसकी लगभग 2800 से 3200 चक्कर की मोटर है हमारे पास। अच्छा। और ये फर है, ये काफ़ी मजबूत फर बनाते हैं, ये और कहीं नहीं मिलेंगे, ये हम खुद ही तैयार करके खुद ही करते हैं। इसका ये ढांचा वगैरह आप देखो कितने मजबूत बनाए हुए हैं, इसी के मद्देनजर बनाए हुए हैं हमारे। ये देखिएगा ताड़ियाँ जो पंखों की अक्सर हम देखते हैं तो वो ऐसे मुड़ जाती हैं, लेकिन ये मुड़ने वाले नहीं है, ये काफ़ी मजबूती के साथ इस ताड़ी को या फर जिसको बोलते हैं वो बनाया गया है। खैर, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को तो यही मैसेज है भाई, अपने पशु जो आप इतने प्यार से पालते हो उनके लिए भी इस तरह के अगर पंखे लगाए जाए तो उनको मक्खी मच्छर से 100% छुटकारा मिलेगा उनको। शुक्रिया बातचीत के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको इस तरफ की कुछ तस्वीरें जो है वो दिखाऊंगा। ये देखिएगा, यहाँ पे लगातार मैकेनिक जो है वो लगे हुए हैं इन पंखों को तैयार करने के लिए, और लगातार जो है वो इनकी डिमांड दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम कितना ही मजबूत पंखा जो है वो लगा लें लेकिन वो जो है पूर्ण तौर पे मच्छर मक्खी जो है वो भगा पाने में असफल लगभग दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे ये फर देखिएगा, यहाँ ये फर बनाने की मशीन है, यहाँ पे ये फर जो है वो बनाए जा रहे हैं। पूरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज़ दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये फर जो है वो तैयार किए जाते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पे दो लोग जो है वो इन फरों को बनाने के लिए चाहिए होते हैं, और वो दोनों लोग जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखिएगा, ये अलग से एक कटिंग करके एक पत्ती इसके अंदर यूं कह सकते हैं कि डाली जाती है, और वो ऑटोमेटिक जो है वो फर बना देती है, काट देती है। ये देखिएगा, ये इस तरह से जो है वो ये इसकी ताड़ियां जो है वो बनती हैं यहाँ पे, यानी कि बिल्कुल बहुत सही तरीके से, बिल्कुल मैनेजमेंट सही मैनेज तरीके से जो है वो इन ताड़ियों को यहाँ पे बनाया जाता है। अब आगे की अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो उस पंखे की जो जालियाँ हैं वो वहाँ पे बनाई जाती हैं, जालियाँ बना करके इनको तैयार जो है वो फिट जो है वो यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे फिट करने के बाद जो है वो इन पंखों की लगातार जो है वो 72 घंटे तक चला करके इनकी टेस्टिंग जो है वो की जाती है, और उसके बाद ये मार्केट में जो है वो उतारे जाते हैं, अवेलेबल करवाए जाते हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो नंबर जो है वो लगातार स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की जानकारी जो है वो इन पंखों के बारे में ले सकते हैं।